हमारे चैनल पे हैं, स्वागत है। आज का वीडियो जो होगा ये धर्मापुर चट्टी है और यहाँ पे मंदिर भी है, तारों का एक धाम है, वो भी दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहें। तो यहाँ का मार्केट दिखाते हैं, उसके बाद मैं मंदिर दिखाऊंगा। इधर चित बड़ा गांव चला जाएगा, इधर भी रोड है और ये मंदिर का गेट है जो दिखाई दे रहा है। तो आज वीडियो को शुरू करते हैं, हमारे साथ बने रहें, देख लेते हैं हम मार्केट में क्या क्या मिलता है। मार्केट की बात करें तो इन यहाँ पे मिठाई की दुकान है, देख रहे हैं भी है बगल में, ठीक है। और मंदिर ले चलेंगे, पान की दुकानें हैं और साइकिल की दुकान है, मोबाइल वोबाइल है, सेवा केंद्र है, देख रहे हैं ओड़ी का मिल जाता है। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक वगैरह है। कौन सी चट्टी है सर? ये धर्मापुर चट्टी है सर। और क्या आपका दुकान है? कपड़े का दुकान है। अच्छा अच्छा ठीक है। मोबाइल का कौन सा चट्टी है सर? ये धर्मापुर चट्टी। तो आप मोबाइल की दुकान है क्या? मोबाइल बनाते हैं? नहीं, वो ये जनसेवा केंद्र है। अच्छा, जनसेवा केंद्र। ऑनलाइन फॉर्म वगैरह सब होता है। ठीक है सर। ये इनका जनसेवा केंद्र। डॉक्टर साहब हाउस भी मिल जाता है, वालों भी मिल जाता है, सब गाड़ी का दुकान है, नहीं मिल जाता है। यहाँ पर मिठाई का है दुकान है, यहाँ आएगा मिठाई का दुकान है, ठीक है, फिर दुकान है यहाँ पर, डॉक्टर साहब का भी मिल जाएगा, उड़ी भी बन जाता है, कपड़े वगैरह भी मिल जाता है। कौन कौन सा गाड़ी बना लेता है सर? दो चक्का की सभी गाड़ी। अच्छा अच्छा, दुकान क्या नाम है सर? आशिका इंटरप्राइजेज। इनके यहाँ गाड़ी वगैरह भी बना सकते हैं, देख रहे हैं तो भी मिल जाता है। नंबर होता है, ठीक है। दिल का गेट, अब हम अंदर चलते हैं, अब आपको मंदिर का दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ जूता चप्पल सिलाई होती भी मिल जाता है, क्योंकि दुकान वगैरह है, चूड़ी वगैरह का अंदर जाने मिलता है, आता है। अंदर चल रहे हैं मंदिर के, इनकी दुकान है इधर, जनसेवा की, ठीक है, मिल जाता है, देख रहे हैं। राशन वासन की दुकान है। ओके, चलते हैं मंदिर दिखाते हैं। ये पानी टंकी है और चल रहे हैं हम लोग, वो मंदिर दिख रहा है, दिखाएंगे। ये श्री कामेश्वर धाम का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो हम अंदर चलेंगे और दिखाएंगे, पूरा डिटेल बताएंगे। और बगल में दुकानें हैं, थोड़ा बगल का दुकानें भी देख लेते हैं। तराम दास जी का है बगल में, मौसा मिल जाता है बगल में मंदिर का जो है। सो सर, ये सर शिव मंदिर है। शिव मंदिर है, पुराना कामेश्वर। और आप बगल में आपको समोसा की दुकान है ना? जी जी, समोसा मिल जाता है, समोसा चाय, चाय का दुकान है, मिल जाता है, दाद उद मिल जाता है, बगल मिल जाता है, लकड़ियाँ जो मिलती है। दाह संस्कार का यहाँ पे लकड़ी वगैरह? हाँ जी, हमारे पास दाह संस्कार की लकड़ी मिलता है, उचित दामों पर मिल जाता है। यहाँ घाट है बगल में, ठीक है, तीन है जगह। अच्छा अच्छा, वो है पर सरकारी है। अच्छा, मंदिर का कुछ बता सकते हैं क्या? हम लोग जो है अब मंदिर का पूरा डिटेल दिखाएंगे, मंदिर के अंदर जा रहे हैं, श्री कामेश्वर धाम मुख्य प्रवेश द्वार अंदर चल रहे हैं। हम लोग अंदर जा चुके हैं, जो दिख रहा है शमशान है, और ये जो है पोखरा है। अंदर चल रहे हैं, दिख रहा है बहुत पुराना है, और ये जो पोखरा है बहुत प्राचीन पोखरा है, जो बनवाया गया है, जो इतिहास है यहाँ का, जो देख रहे हैं बगल में पोखरा है। और मंदिर के चल रहे हैं, और इधर जो है शादी वगैरह भी यहाँ होता है, मूर्तियाँ वगैरह ब्रह्म का बनाया गया है, पूजनीय यहाँ पे भी दिखा दे रहे हैं। इधर भी एगो पोखरा है,
जो हम चल रहे हैं, और बगल में मंदिर है, मंदिर के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। काफ़ी अच्छा बनाया गया है। जलेबी ये गेट है जो हम लोग गेट है जो डिटेल दिया गया है जो मंदिर का। दुर्भाषा ऋषि यहाँ तपस्या किए थे। यहाँ पे चित्र दर्शाया गया है माता सती द्वारा राज यज्ञ आत्मदाह, पूरा डिटेल ये सब लिखा हुआ है जो देख सकते हैं। पे कामदेव को भस्म किए थे भगवान शंकर, यहाँ तपस्या किए थे, तो यहाँ पे डिटेल दिया है। पे ये जो हनुमान जी का मूर्ति है, घंटे उंटे हैं जो देख रहे हैं। यही जो यहाँ पे शिव का मंदिर है, यहाँ पे शिव लिंग बना हुआ है जो यहीं पे तपस्या किए थे भगवान शंकर, यहीं पे बैठे थे। तो कामदेव जो है इनका ध्यान तोड़ने के लिए कामदेव को नेत्र से भस्म कर दिए थे, लोग बताते हैं यहाँ पर। तो प्राचीन है यहाँ पर जो देख सकते हैं बनाया गया है, जो मेन यही है यहाँ पे जो देख सकते हैं, जो मेन यहाँ पे है जो दिखाई दे रहा है, जो ये शिवलिंग है मेन यही है, बहुत प्राचीन है जो यहाँ पे। ये जो पेड़ आज भी मौजूद है, कई हज़ार वर्ष पुराना है, जो अंदर शिव का भी मूर्ति बना दिया गया है, शिवलिंग भी है, काफ़ी सुंदर है। जो पोखरा जो देख रहे हैं, जो दिखा रहे हैं हम आपको, और जो प्राचीन, चलिए अद्भुत ये बनाया गया है जो देख रहे हैं। तो इधर का दिखा देते हैं, जो बहुत पुराना पेड़ है, यहीं पर भगवान शंकर जी तपस्या किए थे। हम लक्ष्मण भी यहाँ पे आए थे, जो यहाँ पे चित्र दिखाया गया है जो दिखा देते हैं, जो बनावट भी दिखा देते हैं, बहुत अच्छा है जो देख रहे हैं। यहाँ पे बाबा का भी है, बालक दास जी का मूर्ति है, स्वामी श्री लेखराज बूढ़ा बाबा शंकर जी यहाँ पर देख सकते हैं वगैरह होता है। काफ़ी मंच बनाया गया है जो देख रहे हैं, कार्यालय है। थोड़ा सा इतिहास बताइएगा। देखिए यहाँ का इतिहास, भगवान राम और विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ यहाँ रात्रि विश्राम किए हैं, और यहाँ से रात्रि विश्राम करने के पश्चात यहाँ से बक्सर के लिए प्रस्थान किया है, और वहीं पे भगवान शिव ने अपने भूमिपुत्र से कामदेव को जलाया था, और यही वो जगह है जहाँ भगवान को शांतिप्रिय स्थान मिला, जो कि भगवान अपने समाधि स्थल मतलब भगवान लीन थे यहीं पे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऋषि मिले, यानी दुर्वासा ऋषि ने भी यहाँ तपस्या किया था, और ऐसे बताया जाता है किनाराम बाबा की समाधि स्थल या फिर उनका जन्मभूमि भी यहीं है। इतिहास यहाँ का कुछ बता रहे हैं। तो भगवान वही जो विश्वामित्र जी राम विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को बता रहे हैं, हे रघुनंदन, भगवान शिव ने यहाँ पे तपस्या किया था, और तपस्या के उपरांत भगवान शिव को समाधि से ध्यान भंग करने के लिए कामदेव, उनकी पत्नी रति और बहुत सारे अप्सराओं के साथ मतलब उनका ध्यान भंग करने का प्रयत्न किया गया। उसके बाद भगवान शिव का ध्यान भंग नहीं हुआ, उसके बाद कामदेव ने इसी आम के वृक्ष से छिपके, और जो ये आम आपको दिखाया जा रहा है वो आम के पत्ते से छिपके काम बाण चलाया था, यानी पुष्प बाण। भगवान शिव के माथे पर लगने से भगवान शिव क्रोधित में होकर उनकी तीसरी नेत्र खुल गई। तीसरी नेत्र खुलने के बाद कामदेव जल के इसी आम के वृक्ष में भस्म हो गए। अभी ये आम देख रहे हैं पूरा ऊपर से नीचे तक, यहाँ से दिखाइए, खोखला है पूरा, नीचे से ऊपर तक पूरा खोखला ही खोखला है। यहाँ हमारे गांव के पूर्वज लोग भी बताते हैं कि शाम का कोई तुलना नहीं, अभी जब तक हम लोग हैं तब से देखते हुए आ रहे हैं, ऐसे ही पड़ा है। मैंने जो हमारे गांव के 60-70 बरस के पुरानिया लोग बताते हैं कि हमारे दादाजी, उनके दादाजी ऐसे ही देखते हुए आ रहे हैं इस वृक्ष को। अच्छा,
अभी भी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम लोग कोई लकड़ी जला देते हैं। यहाँ दिखाइए, जैसे यहाँ पे हम लोग कोई लकड़ी जला देते हैं, आग जलाते हैं, अलाव जलाते हैं ना, तो जैसे जल जाती है, उसके बुझाने के बाद ठीक वैसे हो जाता है, जैसे यहाँ दिख रहा है कोने पर, जैसे दिख रहा है ना सफ़ेद सफ़ेद, वैसे हो जाता है। तो अभी भी ऐसा लगता है कि आम जलाया गया है, पूरा जला है। मैंने यहाँ पे यहीं पे जो काम, जैसे हम लोग कहीं मिट्टी, जैसे कहीं मिट्टी पे आग जलाते हैं, तो आग जलाने के बाद जब हम लोग मिट्टी आग बुझा देते हैं, तो वहाँ मिट्टी काली हो जाती है, नीचे जितना तक परत होता है काली ही हो जाती है, यहाँ नीचे भी मिट्टी काली है पूरा। और आइए आगे में भी वाला वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 23वें श्लोक में भगवान विश्वामित्र राम लक्ष्मण ने रात्रि विश्राम किया था। जो भगवान विश्वामित्र जी भगवान राम का, भगवान राम जी का वह चरण पादुका है, उसके नीचे उसका जो खंडित जो था वो उसके नीचे है। ये पहले चीनी मिट्टी का था, ये तो नया इसका सुंदरीकरण हुआ है। जो देख रहे हैं ज्योति जल रहे हैं नहीं है बस, लेकिन देख मतलब यहाँ के बारे में जो चले चले। धन्यवाद, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हमारे साथ बने रहें। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें।